यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में ज्यादातर छात्र डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं और 10 लाख में से मेंस में लगभग सिर्फ 15,000 लोगों को ही बैठने का मौका मिलेगा और मेंस के बाद लगभग 2,500 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन इन आंकड़ों में सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद भी क्यों लगभग 80% कैंडिडेट्स मेंस के बाद यूपीएससी की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। क्या मेंस की परीक्षा इतनी मुश्किल है या फिर कैंडिडेट्स ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके रेस से बाहर हो जाने का कारण बनता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने के बाद 80% लोग मेंस फेल्स क्यों हो जाते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा में लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं और सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या मेंस के पैटर्न के कारण या फिर उनकी अपनी गलतियों के कारण। तो इसका जवाब है दोनों के कारण। जी हाँ, मेंस का पैटर्न प्रीलिम्स से बिल्कुल अलग होता है और इस पैटर्न के कारण स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाती हैं। तो क्या है वो गलतियां और कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, आइए बताते हैं। तो पहला पॉइंट है, हर विषय की तैयारी है जरूरी। तो इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती होती है परीक्षा के पैटर्न को समझना। तो इस परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं और आपको इन सभी पेपर्स को अलग अलग ढंग से प्रिपेयर करना होगा और सबके लिए अलग अलग समय भी निकालना होगा। मुख्य परीक्षा में जीएस, लैंग्वेज और ऑप्शनल पेपर भी होता है। ऐसे में एक साथ आप सभी पेपर्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये ध्यान रहे कि मेंस की तैयारी शुरू करने से पहले एक टाइम टेबल तैयार किया जाए और इसमें हर पेपर के लिए एक समय निर्धारित कर ले और उसी के अनुसार अपनी आप तैयारी करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस है जरूरी। तो मेंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को आंसर लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वहीं हो सके तो आंसर लिखकर अपने किसी मेंटर या अपने साथी से इसको चेक करवाना आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको अपनी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनके बारे में पता चलेगा ताकि वक्त रहते आप उसमें सुधार कर सके। तो पहला टिप है कि पेपर हाथ में आने के बाद सबसे पहले ध्यान से पूरा पेपर पढ़ लें। नेक्स्ट इज, अपने अगले चरण में सवालों को 3 कैटेगरीज में बांट लें। अब जो सवाल आपको अच्छे से आते हैं वो एक कैटेगरी हो गई, दूसरी कैटेगरी जो थोड़े बहुत लिखे जा सकते हैं और तीसरी कैटेगरी वो जो बिल्कुल भी नहीं आते। तो इसी हिसाब से परीक्षा के टाइम को सेक्शन के मुताबिक बांटकर हर सवाल के लिए आप समय तय कर लें। तो कोशिश करें कि तय सीमा के अंदर ही जवाब लिखकर आप खत्म कर लें। उससे क्या होगा कि आप पाएंगे कि जिन सवालों के जवाब आपको अच्छे से आते हैं उनके लिए आपको ज्यादा समय मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सवाल ठीक से समझने के बाद ही आगे बढ़ें और जो पूछा गया है वो ही लिखें, ना कि वो जो आपको आता है। नेक्स्ट इज, शुरू के उत्तरों को जितना बढ़िया लिख सकते हैं उतना बढ़िया लिखें। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उस पर आपका जो प्रभाव है वो अच्छा पड़ता है, बढ़िया पड़ता है। नेक्स्ट इज, परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता। तो परफेक्ट आंसर जैसे किसी भी भ्रम में ना पड़े और ना ही परफेक्शन की चाह से उत्तर लिखने, बल्कि अपना अधिकतम दें, मैक्सिमम दें और नतीजों की फिक्र ना करें। नेक्स्ट इज, पेपर और सवाल के मुताबिक अधिक से अधिक फैक्ट्स और फिगर्स को कोट करें, साथ ही साथ डायग्राम्स बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं और ये कोट्स आदि देकर उत्तर को ठीक से आप सजाएं। नेक्स्ट इज, एक ही तरह का पेन इस्तेमाल करें और बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अधिक से अधिक नीला और जो हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज, डायग्राम के लिए पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं और हाँ, लेबलिंग जरूर करें। नेक्स्ट इज, विषय से भटके नहीं और हाँ, शब्द सीमा का भी ख्याल रखें। ये सारे टिप्स हैं। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो रेगुलर दें। तो तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए खुद का आंकलन जरूर करें और इसके लिए आप रेगुलर जो मॉक टेस्ट होते हैं वो लगातार देते रहें। तो रेगुलर मॉक टेस्ट देने के लिए आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनके मॉक टेस्ट ले सकते हैं।
नेक्स्ट इज नोट मेकिंग भी बहुत जरूरी है। तो इन सब के अलावा इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसके नोट्स जरूर बनाएं। ये आपको सबने बताया होगा, लेकिन नोट्स बनाने का असली फायदा यही है कि लास्ट समय में जो रिविजन होता है तो वो रिविजन करने के लिए वो जो नोट्स बनते हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं, तो ये ना भूलिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात के साथ।